गांव में सीता नाम की एक गरीब महिला रहती थी। सीता विधवा थी और उसके पास कमाने का कोई साधन नहीं था। उसके पास बस एक छोटा सा घर था जिसमें वह अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। जीवन यापन के लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता था। एक दिन सीता ने सोचा कि उसे कुछ काम करना चाहिए ताकि वह अपने बच्चों का पेट भर सके। उसने सोचा कि वह पापड़ बनाकर बेचना शुरू कर सकती है। उसे अपनी माँ से पापड़ बनाने की विधि याद थी और उसने बचपन में यह काम किया भी था, लेकिन समस्या यह थी कि पास पापड़ बनाने के लिए सामग्री खरीदने के पैसे नहीं थे। सीता ने गांव के साहूकार से कुछ पैसे उधार लिए और उस पैसे से उसने पापड़ बनाने की सामग्री खरीदी। दिन रात मेहनत करके उसने पापड़ बनाए। उसके पापड़ बहुत स्वादिष्ट थे। जब उसने गांव में पापड़ बेचने की कोशिश की तो लोगों को उसके पापड़ बहुत पसंद आए और वे उसे अच्छी कीमत देने लगे। धीरे धीरे सीता के पापड़ की मांग बढ़ने लगी। उसने पापड़ बनाकर आसपास के गांवों में भी बेचना शुरू कर दिया और समय के साथ उसने अपना कर्ज भी चुकता कर दिया। अब सीता के पापड़ की इतनी मांग हो गई कि उसे और भी लोगों की मदद लेनी पड़ी। उसने गांव की कुछ अन्य महिलाओं को भी अपने साथ काम पर लगा लिया। सीता की मेहनत और लगन से न सिर्फ उसका परिवार बेहतर जीवन जीने लगा, बल्कि उसने गांव की अन्य गरीब महिलाओं को भी रोजगार का साधन दिया। एक समय ऐसा आया कि सीता का पापड़ पूरे जिले में मशहूर हो गया। उसने अपनी छोटी सी दुकान भी खोल ली। अब सीता के पास अच्छी खासी दौलत हो